गाइस, और बहुत दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि भाई डायमंड टॉपअप कैसे करते हैं। सो मैं आज इसकी वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस जिस ऐप से मैं ये कर रहा हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ ट्रस्टेड ऐप। मैंने अब तक दो बार इसे टॉपअप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे पेटीएम से। सो आप इसमें बहुत सारे गेम्स का मतलब कर सकते हो टॉपअप। और लेकिन अभी हम फ्री फायर का करेंगे, देख सकते हो पबजी भी थी। सो अभी यहाँ पे आपको ना प्लेयर आईडी डालनी है, जो कि आपकी होती है नंबर में आईडी लिखी हुई आपके नाम के नीचे, तो वो डाल देनी है। अब सेकंड स्टेप जो होता है उसमें आपको ना रिचार्जेस मतलब कि डालने रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी आईडी पेस्ट कर दो, उसके बाद यहाँ पे जितना का आपको डायमंड टॉपअप करना है वो क्लिक करो। तो यहाँ पे 50 का भी है, तो 50 पे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो 50 में मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे देखो तो थर्ड स्टेप में तुम्हें पेटीएम दिख रहा होगा, तो अब तुम्हें पेटीएम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन तुम चाहो तो UPI पे भी क्लिक कर सकते हो, नेट बैंकिंग पे भी क्लिक कर सकते हो अगर तुम उससे करना चाहते हो तो। बट मुझे तो पेटीएम से करना है, इसलिए मैं पेटीएम पे ही क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको जाना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। क्यों? देखो, जब आप शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में तो वो आपसे नंबर नंबर पूछता है आपका, उस नंबर पे आपकी रिसिप्ट या फिर कटा देता है या फिर बिल कटाता है, तो उसी का ये मतलब वर्चुअल वर्जन है। इसमें आपको अपनी ईमेल डाल देनी है, उसके बाद बाई करना है। देखो यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है गेम में, जो मेरा नाम है 40 रुपीज़ का मैं टॉपअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जो ईमेल डाला है आपने, ईमेल दो भी है, तो उस पर ना आ जाएगा आपकी रिसिप्ट एक कट के। तो यहाँ देख सकते हो गरीना कूड़ा शॉप आइटम फ्री फायर, तो पेटीएम आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। सो कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आप अगले पेज पे आ जाओगे। सो यस, तो मैंने क्लिक कर दिया है कंटिन्यू पे, और देख सकते हो 40 और कोड़ा पेमेंट 40 रुपीज़। और यहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, और इस नंबर पे जो है आप पेटीएम आपको एक OTP भेजेगा। सो अभी मुझे OTP रिसीव नहीं हुआ है, थोड़ा मिनट रुक जाऊँ। जैसे ही OTP रिसीव हो जाएगा मैं इसमें यहाँ पे डाल दूँगा। तो जो ईमेल आपने डाला है उस पे ना देखो आ जाएगा आपका मतलब कि जो भी आप टॉपअप करोगे तो उसकी एक रिसिप्ट कट के आ जाएगी आपके पास। वैसे तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट अलग से आ जाएगी कोडा शॉप से करके। मैं लास्ट में उसे दिखा दूंगा वीडियो में जब आएगी मेरे पास। देख सकते हो मैंने OTP डाल दिया है, और अब पेटीएम बैलेंस मेरा दिखा रहा है इतना है मेरे पास, अभी इतने थे और मैं इससे टॉपअप कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास 40 रुपीज़ निकल रहे हैं मेरे पेटीएम में से और आ गया। अब आपको इसे अगर आपको देखना है कि टॉपअप अच्छे से हुआ है या नहीं, या फिर बिल देखना है आपको अपने टॉपअप का, तो कंटिन्यू टू मर्चेंट पे क्लिक कर देना है। धीरे धीरे कंटिन्यू टू मर्चेंट खुलेगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है सो वेट कर लो थोड़ा सा। और ये खुल रहा है, और 1 2 सो देख सकते हो अभी खुल गया मेरा, थोड़ा स्क्रीन पे अब खुल गया। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेमेंट का आ चुका है। अब यहाँ पे तुम अब स्क्रीन रोक करके देख सकते हो, देखो मेरा फुलफिल हो चुका है 40 रुपीज़ का पूरा। अब अलग से मेरे पास एक ईमेल भी आ जाएगा, जीमेल जो भी उसे कहोगे तुम। तो ईमेल आ चुका है मेरे पास, तो देख लो जीमेल जो भी है तो देख लो। कोडा शॉप नो रिप्लाई दिख रहा है, कोडा शॉप से मेरे पास आ चुका है ईमेल। और यहाँ पे देख सकते हो तुम मेरे डायमंड्स का पूरा रिसिप्ट आ चुका है, फुलफिल जो भी आया था उस समय। तो ऐसे करके तुम ना डायमंड टॉपअप कर सकते हो। तो भाई देख सकते हो कि डायमंड्स आ चुके हैं मेरे, आईडी तुम मिला सकते हो नाम के साथ मेरी।